भागेगा तो नहीं? मम्मी कसम, जाएगी तो तू ही छोड़ के जाएगी। फ्रेंड, इस वीडियो में जानेंगे तू झूठी में मक्कार के 14वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडियन ग्रोस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ फ्रेंड आपको बताएंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई या हो चुकी है फ्लॉप। मेरा नाम है सुधा राजपूत और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 15,73,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, और अपने पहले वीकेंड में 70,32,00,000 का कलेक्शन किया था, और अपने पहले हफ्ते में 92,10,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं फ्रेंड, इस फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड में 16,53,00,000 का कलेक्शन किया। अगर फ्रेंड बात करें 13वें दिन की कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने अपने 13वें दिन यानी सोमवार के दिन में लगभग 2,40,00,000 का नेट कलेक्शन किया, और इसी के साथ इस फिल्म के 13वें दिन का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 111,03,00,000 हो चुका है। तो फ्रेंड, टोटल इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 132,70,00,000 हो चुका है। फ्रेंड, इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 30,00,00,000 का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 13 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 163,70,00,000 हो चुका है। फ्रेंड, अगर बात करें फिल्म के 14वें दिन की कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 14वें दिन में इंडिया में लगभग 2,00,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है। फ्रेंड, आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 65,00,00,000 है, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हो चुकी है। पेंडामिक के बाद रणबीर कपूर ही एकमात्र ऐसे एक्टर बन चुके हैं जिनकी दो फिल्में 100,00,00,000 से भी ज्यादा का इंडियन नेट कलेक्शन कर चुकी हैं। वहीं श्रद्धा कपूर ने लंबे समय बाद इस फिल्म से कमबैक किया है, और फ्रेंड फिल्म बॉक्स ऑफिस में अच्छी हिट भी रही। अभी भी यह फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है और लंबे समय तक भी चलेगी। इस फिल्म का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन 130,00,00,000 के आसपास हो सकता है। वैसे फ्रेंड, आपके हिसाब से इस फिल्म का लाइफ टाइम इंडियन नेट कलेक्शन कितना होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड में 200,00,00,000 कमा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ फ्रेंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।